हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास। हम पादंग का बीबी है बोल के, पादंग का फैमिली है बोल के हम लोग यहाँ बैठने नहीं आया है। हम लोग अपना अरुणाचल के लिए, हम लोग का बच्चा के लिए, हम लोग का भाई बहन के लिए सोच के, फ्यूचर के लिए सोच के हम लोग पसीना निकल के हम लोग इतना दिल दर्द होकर हम लोग साथ देने आया, हम लोग साथ बैठने आया है। गवर्नमेंट को भी हम अपील करता है कि हम लोग का अरुणाचल को चलाने वाला गवर्नमेंट आप देख के हम लोग इतना दुख कुश्तों से हम लोग साथ में यहाँ बैठ रहा है। हम लोग इतना दिल दर्द होके और पान जी सीतीएम और पुरुषा नालो सर हम लोग यहाँ में इतना तकलीफ होके बैठ रहा है। अब ये हम लोग का गवर्नमेंट चलाने वाला आप देख के, सच्चाई को देख के अब हम लोग का दिमाग को फुल फिल कर देने से टीके। सीरियसली बोलते हैं कि हमारे बच्चे इतने मेहनत करके इतना तकलीफ करके मिला, टोटली नालेन वॉइड हो जाने से हम लोगों को फिर उस तरफ और कितना लड़ाई लड़ेगा। तो ऐसे जो जेन्युइन केसेस भी जरूर होता होगा, और आप लोगों का 13 पॉइंट जो डिमांड है उसमें भी फिर टोटल नालेन वॉइड के लिए डिमांड है। तो ये सब जो डिमांड्स दोनों तरफ से जो जेन्युइन, दोनों ही पार्टी बहुत जेन्युइन लगता है। तो इस सिचुएशन में हम जैसे लोग सरकार से सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि इतने टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनके पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, नेगोशिएटर्स हैं, उन लोग चाहे तो बाहर से भी कंसल्टेंट्स वगैरह भी जो एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स हैं जो इन्वेस्टिगेट हायर कर सकते हैं इसको रिजोल्व करने के लिए। एक साल हो गया आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का फियास्को स्कीम, जो भी आप नाम दीजिए, हादसा हुआ। हमारे एक बहुत ही अच्छा सिंसियर, बहुत जिनके बारे में जितने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इवन खुद कमीशन ने भी जिनका कैरेक्टर को अपहोल्ड किया, उनका इंटीग्रिटी को अपहोल्ड किया, लेट टुमी गांग का उनका मर्डर भी हो गया, अभी सुना है वन मैन कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बिठाया है, उनका शायद और एक 15-20 दिन का और बाकी है। इस बीच में कुछ हो रहा है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन वो भी पता नहीं है, और इस वन मैन इंक्वायरी कमीशन से भी कुछ हासिल होगा मुझे तो कोई उम्मीद नहीं। कमल पर तुम नाम से वोट मत दीजिए, तुमनी गांव का नाम से वोट मत दीजिए, आने वाला फ्यूचर आप लोगों का फ्यूचर हो कब करा उसका नाम से वोट मत दीजिए प्लीज। ये बीजेपी सरकार को आप लोगों मेरा रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा सरकार चलाएगा ना, तानाशाही सरकार चलाएगा तो कभी नहीं होगा। हमारा होम मिनिस्टर जो क्या है उसका जितना भी वहां में उसका वहां में जगह में काम किया है आप लोग पूछ सकते हैं, उसका फैमिली, उसका बैकग्राउंड, उसका भाई भाई लोही काम के, उसका रिश्तेदार लोही काम के, बाकी वहां में जो है उसको काम नहीं मिला है। आप लोग विश्वास नहीं है ना, या तो उसका वर्कर होता है, वो अभी छोटा मोटा आदमी को किसी को मिला नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि ये MLA लोग सिर्फ गिराना चाहता है, ये लोग असली में पेमा कांडू का दुश्मन है, पता है आप लोग को? ये लोग मौका दूंगा पेमा कांडू कब गिराएगा, ये लोग पेमा कांडू हम लोग का दुश्मन नहीं है, पेमा कांडू किसी पब्लिक का दुश्मन नहीं है, असली पेमा कांडू का जो दुश्मन है ये लोग ही है, आप लोग हम बता रहे हैं। ठीक है आप लोग एंजॉय करते रहो, हम लोग यहाँ निकलेगा, हाँ क्या बोलेगा, आप लोग भी एंजॉय करते रहो, आपका बच्चा लोग कल को हम लोग का जगह यहाँ बैठेगा, देखते रहो, ये सीधा बात है। उस समय हम लोग अलग स्टेज में होगा, आप लोग का बच्चा लोग यहाँ में पानी के लिए मरेगा, ठंडा के लिए मरेगा, इसलिए बोल रहा है। अभी भी समय है, मेरा यूथ स्टूडेंट, हम अमा बाबा को तो नहीं बोलेगा, बेचारा लोग माँ लोग भी मीत सीत सब्जी तब्जी बिक्री करके पढ़ा रहे, सब तकलीफ में है, लेकिन स्टूडेंट लोग को हम अलग से एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये सब चीज़ में वो लोग आगे आने से ठीक है बोलते हैं। जो 3 डेज का जो सिटिंग धरना था 26 सितंबर में जो शुरू हुआ और 28 सितंबर जो आज कंक्लूड हुआ है, तो इट हैज़ बीन अ वेरी सक्सेसफुल वन, बहुत पीसफुली हुआ, बहुत डेमोक्रेटिकली तरीका से हुआ, और आई थिंक आप सब ने देखा है कि देर हैज़ बीन वेरी गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम different section of the society, aspirants aaya, parents aaya, and then other organizations they have joined us. So overall it was a very positive dharna,
and we're very happy and we're very optimist कि यहाँ पे हम लोग optimistic हैं क्योंकि even though the जो हमारा government है even though they have not अभी तक इसे officially कुछ correspondence नहीं हुआ है but public का जो response है और public का जो participation है that was very overwhelming और in fact हम लोग को जितना भी खाना पीना से लेके यहाँ पे रहने के लिए पूरा पब्लिक का सपोर्ट था और खाना पीना आई थिंक दे हैव प्रोवाइडेड विद लॉट ऑफ जेनरोसिटी और हम लोग को बहुत अच्छा लगा एंड सो फॉर दैट वी वांट टू थैंक द पीपल ऑफ अरुणाचल फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड देन अभी जो भी वॉट एवर डिमांड वी हैव प्लेस्ड वी होप दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दैट एंड वी आर वेरी होपफुल कि इन द कमिंग टाइम्स इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा. The chief minister did address this dhana and he said that the Pan Arunachal Trans Steering Committee is welcome to have a meeting with chief secretary. What would be your words on vice chairman? सबसे पहले चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो कॉग्निजेंस लिया है तो दैट वी वेलकम दैट लेकिन हमारा मानना ये है कि जो भी टेक्निकलिटीज है जो भी डिस्कशन है बिकॉज लास्ट टाइम 18 February को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था तो अभी जितना भी पॉइंट्स है उसमें कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है इनफैक्ट हमने डिटेल में उसको आउटलाइन किया है इट इज़ अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी मीटिंग होता है वी होप दैट ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ हो क्योंकि वी डू नॉट वॉन्ट कि ऐसा कुछ मीटिंग हो जिसका कोई आउटकम ना आए. सो दिस टाइम हम भी ये होप करते हैं कि हमारे स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है जो भी कमिटमेंट वो खुद दिया है तो वी होप दैट दे विल स्टैंड बाय बाय हिज ओन कमिटमेंट और इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा. पैन अरुणाचल ट्रेन स्टीयरिंग कमेटी एक साल हो गया है 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स को पुश कर करके एंड देन एडिशनल डिमांड्स भी आप लोगों ने आज ऐड किया है. Will you guys be satisfied only when the 13 charter of demands is overly done, everything has been fulfilled? Dekhiye, if you look at the jo bhi humne jo bhi demand rakha hai agar aap usko carefully dekhiyega to it's not tough, it's very easy to redress this demands aur in fact jo bhi humne related points jo bhi rakha hai these are not additional points, these are in fact jo isse related points hai ये इशू का चलते ही जो भी हुआ है उससे कनेक्टेड है तो इसलिए हमारा जो भी मांग है कि यहाँ पे 13 चार्टर ऑफ डिमांड हो गया या फिर बाकी रिलेटेड डिमांड्स है वी बिलीव दैट इसको स्टेट गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेगा और हमारा मानना ये है कि ये जो 13 जो भी हैं दिस इज़ द बेयर मिनिमम. एक्चुअली देर आर लॉट ऑफ अदर रिफॉर्मेटिव पार्ट्स जिसको अभी भी रिड्रेस करना है लेकिन अभी तक जो भी हमने डिमांड रखा है वी फील दैट इसको जल्द रिजोल्व कर सकता है और इसको जल्दी रिजोल्व करना चाहिए. This is not the first time Pan Arunachal Trans Steering Committee was invited to sit with the government. Previously also you guys had a meeting with APSU, ANSU and meetings hua tha and then again you are being called, you are being invited to have a meeting with Chief Secretary. So how is this different? How will this meeting be different from any other meeting? Dekhiye, pehle jo bhi discussion hua, those were all preliminary meetings. Usme bahut discussion hota tha, technicalities ko leke. जितना भी अंदर का उसका नुआंसेस है उसको लेके लेकिन जितना डिस्कशन से आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन. अभी आउटकम का काम है जो भी आना है आउटकम होना है तो इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी हैंड्स फोर्ट जो भी मीटिंग होगा ये दिस विल बी आउटकम ओरिएंटेड. इसमें हमारा और फर्दर डिस्कशन करने का मीन्स सिचुएशन नहीं होना चाहिए तो जो भी डिस्कशन होगा ये कंक्लूसिव होना चाहिए इसका जो आउटकम ओरिएंटेड होना चाहिए और दिस शुड बी डिसाइसिव. तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि दिस मीटिंग वुड बी डिफरेंट फ्रॉम जो भी प्रीवियस मीटिंग्स हुआ उससे डिफरेंट होगा.